तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। तो बात करते हैं जहां पे दुबई में चल रहा है इंटरनेशनल लीग T20 का दूसरा सीजन। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 20वें मैच की जो कि खेला जाएगा अबू धाबी नाइट राइडर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में। यह मैच 3 फरवरी को शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 56% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 80% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 20% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 155 है, तो वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 154 है। अब अगर बात करते हैं इनके दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे दुबई कैपिटल्स 3 मैच जीत के आ रहे, तो वहीं पे अबू धाबी नाइट राइडर्स 0 मैच जीत के आ रहे। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम दुबई कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने अब तक 6 मैच खेले जिसमें से 3 मैच जीत के आ रही और 3 मैच हार के आ रही है। टीम पॉइंट टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। टीम को लास्ट मैच में भी जीत मिली थी डेविड वार्नर जो कि टीम के कप्तान है। ओपनिंग में बात करें तो जहां पे डेविड वार्नर एंड रमनुल्ला गुरबाज उतरते हैं, वार्नर इस वक्त फ्लॉप चल रहे हैं। गुरबाज की बात की जाए तो वो भी 1-2 मैच छोड़कर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं जहाँ पे बेंडा का जो चांस मिला उन्होंने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच भी थे। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो जहाँ पे सैम बिलिंग्स एंड सिकंदर राजा है, दोनों लगातार अच्छा खेल रहे हैं, ये दोनों टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। राजा ने 5 मैच में 182 रन बनाए हैं। वहीं फिनिशिंग के लिए बात करें तो टीम में जहाँ पे रोवन पॉवेल है, जेसन होल्डर, पॉवेल ने लास्ट मैच में 40 रन बनाए थे। बॉलिंग की बात करें तो टीम की बॉलिंग बहुत वीक है, जेसन होल्डर जो कि इस पिच पे इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, स्कॉट कुजलिन जो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में जगह मिली थी, दुश्मन चमेरा जहां पे 8 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर है, रोमन वान डेसन टीम में एक्सपीरियंस दे, कीप राजा जो कि अच्छे स्पेल से विकेट निकाल देते हैं। अब बात कर देंगे प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे डेविड वार्नर है, रमनुल्ला गुरबाज है, बेंडक है, रोवन पॉवेल, जेसन होल्डर है, स्कॉट है, सैम बिलिंग, दुश्मनता चमेरा है, वान डे अकीफ राजा, सिकंदर राजा। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं जहाँ पे डेविड वार्नर, सैम बिलिंग्स और सिकंदर राजा। अब बात करते हैं दूसरी टीम अबू धाबी नाइट राइडर्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने अब तक 6 मैच खेले जिसमें से 3 मैच में जीत मिली और 3 मैच में हार मिली है। टीम पॉइंट टेबल नंबर 4 पे स्टेबल। लास्ट गेम की बात करें तो टीम जहाँ पे गुल्फ गायंस को हराया था। ओपनिंग में बात करें तो जहाँ पे लास्ट में जॉय क्लार्क एंड मिचेल पीपर की जोड़ी उतरी थी, दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया था। नंबर 3 पे जहाँ पे अलीशान सराफू जो कि खेल रहे हैं, टीम का मिडिल ऑर्डर अनएक्सपीरियंस है जिसमें सैम हेनेल और इवेंस है। अंडर दर्सन लास्ट मैच में 13 बॉल में 30 रन बनाए थे। टीम के कैप्टन की बात करें तो जहाँ पे सुनील नारायण है, बॉलिंग में टीम का परफॉर्मेंस एवरेज है अब तक। वहीं मर्सिडीज लार्ज जो कि चांस मिला था लेकिन फ्लॉप थे, विकेट नहीं ले पाए। पेस अटैक से इंग्लैंड के डेविड विलियम, इमाद वसीम जो टीम को विकेट दिला सकते हैं, रसल भी लगातार आउट ऑफ फॉर्म में चल रहा है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे जॉय क्लार्क है, मिचेल पीपर है, लॉरी इवेंस है, अलीसन सराफू, सैम हेन, एंड्रे रसल है, इमाद वसीम, डेविड विलियम, सुनील नारायण, डेलिंग और अली खान है। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं जहाँ पे एंड्रे रसल है, सुनील नारायण, डेविड विलियम। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच दुबई कैपिटल्स होगा, यहाँ पे नाइट राइडर्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।